अच्छा सर। नमस्ते सर। गुड नाइट सर। साहब मेरी अर्जी तैयार हो गई है। आओ सिंह आओ आओ बैठो। क्या लिखा है इसमें? इसमें यह लिखा है कि तुमने इस कंपनी में 25 साल चौकीदार की नौकरी की है, पर अब जो कि बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं और सुनाई भी कम देने लगा है, तुम रिटायर होना चाहते हो। साथ ही तुम्हारे पेंशन की मांग के बारे में भी लिखा है, ठीक है ना? ठीक है साहब। लाइए। आप मेरी ये चिट्ठी मैनेजर साहब तक पहुंचा देंगे ना? हाँ हाँ सिंह, एक भी शिकायत नहीं तुम्हारी फाइल में। अगर फाइल में शिकायत होती मारे शर्म के मर न जाता। शिकायत के लिए कभी मैंने मौका ही नहीं दिया साहब। अगर कोई काम करने योग्य है तो उसे लगन से करो। हमारे कमांडिंग ऑफिसर हमेशा यही कहा करते थे। मिलिट्री में थे इसलिए तो इतने नियमित रहे हो अपने काम में। साहब आपको क्या लगता है मैनेजर साहब मेरी पेंशन? कह दिया ना, चिंता मत करो, उनसे मिल तो लो, सब ठीक हो जाएगा। शुभम करोति कल्याणम। शुभम करोति कल्याणम। आरोग्यम धन संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। बस काफी देर होगी, घर जा। जाओ बेटी अब घर जाओ। अच्छा चाची, मैं कल आऊंगी। हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। चाय तो पी लो। नहीं। मैनेजर साहब तक चिट्ठी पहुंची? शास्त्री ने कहा वो पहुंचा देंगे। तो फिर क्या बात है? क्या पता पेंशन मिले या नहीं। हाँ गोविंद सिंह, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही प्रशंसनीय है। 25 सालों में कभी तुमने शिकायत का मौका नहीं दिया। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और हमने तय किया है कि तुम्हें हर महीने 12 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस महीने की 30 तारीख को तुम रिटायर हो सकते हो। जी साहब। गुड लक। किस्मत अच्छी रही है मेरी, पर मैं हमेशा डरा डरा सा रहता था। क्या पता कब कोई मेरे खिलाफ शिकायत कर दे। हमेशा चिंता करने की आदत। जब पिछले 25 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अगले 20 दिनों में क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं होगा। चलो चाय पी लो। सुनो उठो भी। क्या? अच्छा मैं काम पर जाना है क्या? हाँ 4 बज रहे हैं, देर हो रही है मुझे बड़े घर के काम के लिए। उनके यहाँ मेहमान आए हैं आजकल, बर्तन चौगुने और कपड़े दुगने धोने पड़ते हैं मुझे। तुम शाम को कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, सोच रहा था रामू की दुकान तक हुआ था। तुम तंग नहीं होते? जब से काम पर जाना छोड़ा है हर शाम वही डेरा जमाए रहते हो। अरे 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, वक्त गुजर जाता है। हाँ? कौन? क्या बात है कमला, क्या हुआ? मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया, रो रही है वो। उसे बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। देखे अरे रे, सचमुच जोर से लगा है इसे। रो मत कमला, हम तुम्हारे लिए नई गुड़िया लाने की कोशिश करेंगे। रुको रुको रुको, मुझे लगता है मैं तुम्हारी ये गुड़िया ठीक कर लूंगा। सचमुच? हाँ सच। कब? अभी। जा मेरा थैला ले। पर तुम इसका करोगे क्या? जरा रुको तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लिए चिट्ठी है। कैसे हो? ठीक ठीक। और कैसे हो गिरधर, पिताजी कैसे हैं? वो भी ठीक है।
ये थोड़ा सा भूसा दे सकोगे? अरे थोड़ा क्यों, सारा का सारा उठा ले जाओ, कम से कम कूड़ा तो साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर। गोविंद भैया। हाँ। ओ गोविंद भैया। हाँ। आज इतनी देर कर दी, बात क्या है? बस थोड़ा काम में फंस गया हूँ, इस गुड़िया को ठीक करना है ना। गुड़ियों के साथ खेलना शुरू कर दिया तुमने, कठिया गए होता। कुछ रंग है तुम्हारे पास गुड़ियों के लिए? ये ठीक रहेंगे, देखता हूँ जरा। इसे पायल भी पहना दीजिए ना दादाजी। अच्छा, तुम्हें पायल भी चाहिए? हाँ। चलो अभी पहना देते हैं। अरे वाह, इसका तो हुलिया ही बदल गया। ये तो शुरुआत है महारानी जी, बस देखती जाओ। रामू, तुम्हारी दुकान भी है इसमें? सिर्फ दुकान ही नहीं, मैं भी हूँ। सिंह, ये सब बनाया कैसे तुमने? कैसे पता नहीं, बस बन गया। सिंह, तुम तो जादूगर हो। कलाकार है भाई, कलाकार। इसका दाम क्या है? दाम? जी, ये बेचने के लिए नहीं है। नहीं? अच्छा, ₹4। 3 में ले जाऊंगा। जी। अरे वाह सिंह, इतना प्यारा दृश्य बनाया है तुमने। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सिंह। अरे साहब। अरे भाई आओ, जरा देखो तो सिंह क्या लेकर आया है। आओ आओ, अरे जल्दी आओ ना, आओ। देखा तुमने, कमाल कर दिया है सिंह ने, रख दिया है। अरे वाह, सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। ये तो बाजार का दृश्य है, ये दुकानें और ये सब्जी वाले। दे 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 दे। मैं कल सुबह आऊंगी। गुड़िया तुम्हारी ठीक है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैनेजर साहब आपको तुम्हारी भेंट पसंद आई? मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन वो भेंट शास्त्री जी उन तक पहुंचा देंगे। तुमने ऑफिस वालों के चेहरे देखने चाहिए थे, हर एक आदमी अपना अपना काम छोड़ मेरा दृश्य ही देखता रहा। क्यों नहीं, दृश्य बना ही इतना खूबसूरत था। हाँ, सोच रहा था अगले पेंशन दिन के लिए ऑफिस का दृश्य क्यों ना बनाऊं। हाँ। ये देखिए मैनेजर साहब की गाड़ी, और मैनेजर साहब घर जा रहे हैं। और इसमें तुम भी हो? अब देखिए ये छत खुलती भी है। अच्छा? हाँ, ये देख रहे हैं अंदर की जगह। अरे ऑफिस की हर चीज है इसमें। ये देखिए यहाँ ऑफिस, यहाँ शास्त्री जी बैठते हैं। वो रही मेरी कुर्सी। अब यहाँ देखिए ये जो सीढ़ी है ना। हाँ। ये अपनी ये सीढ़ी। वाह सिंह, सचमुच बहुत ही खूबसूरत है, और बिना सीखे इसने इतना कुछ कर लिया। ये तुम्हारा दूसरा दृश्य है ना? देखो ऐसा दृश्य तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में। आप कभी शामिल कर लिया? सचमुच ही तुम वाह, खूबसूरत चीज बनाना कोई। मैनेजर साहब नाराज तो नहीं होंगे? क्यों, सारे लोग काम छोड़कर? वो नाराज क्यों होंगे, उन्हें तो खुश होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास है? हाँ हाँ, आखिर तुमने इतना अच्छा दृश्य बनाया है। अरे अरे दूर हटो, तुम्हारे पांव की धूल इस गांव को मैला कर देगी। हाँ। बीच में क्यों रखा है तुमने? हाँ, अब तक तुमने जितने भी दृश्य बनाए हैं ये सबसे अच्छा है। इसे मैंने अपने लिए बनाया है, और किसी को नहीं दूंगा। मेरे पिताजी का गांव है, इसे मैं प्रदर्शनों में दिखाऊंगा, क्या पता मुझे मेडल ही मिल जाए। गोविंद सिंह, रजिस्टर चिट्ठी है तुम्हारे नाम। मेरे नाम रजिस्टर चिट्ठी? हाँ, सिर्फ वकील लोग रजिस्टर चिट्ठी भेजते हैं, नहीं?
ज्यादातर हाँ आप इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या लिखूं, लेने से इनकार कर दिया? हाँ? नहीं नहीं कह दो, मैं आपसे मिला ही नहीं। ना ये नहीं हो सकता, या तो इसे ले लो या लेने से इनकार कर दो। मूर्ति जी, क्या आप किसी दूर के बकस में डालकर ये नहीं कह सकते कि खो गया है? हमारे डिपार्टमेंट का मजाक मत उड़ाइए। क्या है? आ गई। क्या? मुझे क्या मालूम, शायद हमारी बर्बादी। ऐसी भी क्या बात है, इसे खोलकर देखते क्यों नहीं, चाहो तो किसी से पढ़वा लो। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो, इसे खोला नहीं जा सकता। शायद मेरी पेंशन रद्द कर दी हो उन लोगों ने, क्या पता मैनेजर साहब ने क्या लिखा। तो ऑफिस जाकर किसी से पूछ क्यों नहीं लेते? मैं फिर से अपना मुंह उधर नहीं दिखाऊंगा। मैनेजर साहब उन्हें भी तो इतना सा गुड्डा बनाकर वहां खड़ा कर दिया था, और अब ये चिट्ठी। राम, जरा इधर आओ। क्या है? मेरे नाम पे एक रजिस्टर चिट्ठी आई है। रजिस्टर चिट्ठी? क्या होगा इसमें, खोल कर देख लेते हैं। मेरी हिम्मत नहीं। तो अब गोविंद सिंह कौन? ये क्या हाल बना रखा है? गोपाल तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कम से कम तुम ही बताओ इस चिट्ठी में क्या लिखा है। ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ अभी खोल लेते हैं। नहीं नहीं इसे खोलो मत। खोले बिना कैसे जानोगे अंदर क्या लिखा है, पागल मत बनो, लाओ इसे। नहीं नहीं भगवान के लिए इसे खोलो मत। अजीब आदमी हो गोपाल। गोपाल क्या है ये, खोले बगैर जानना चाहते हो अंदर क्या लिखा है? एक्सरे अस्पताल ले जाओ। एक्सरे? हाँ, डॉक्टर लोग एक फेशियल फोटो उतारते हैं, शरीर को काटे बिना अंदर की सारी हड्डियां साफ नजर आती हैं, वो एक्सरे। अच्छा, वो कहाँ है? वो बिल्डिंग नजर आती है ना, वहाँ। 10 मिनट बैठे, बताता हूँ। साहब, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे बता सकते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा है? लाओ मैं पढ़ देता हूँ। नहीं नहीं फड़ना मत, फड़ना मत। अक्सर से नहीं पता चलेगा क्या? कहाँ से आए हो तुम? मैं इंग्लैडिया इंश्योरेंस कंपनी में चौकीदार, उससे पहले मिलिट्री में। मैंने मेरा काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है साहब, किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, कभी नहीं दिया साहब, कभी नहीं। और आप ये चिट्ठी अब इसका दृश्य बना है ना, इसीलिए मैनेजर साहब गुस्सा हुए होंगे। अब तो वो मेरी पेंशन भी रद्द कर देंगे साहब। अब तो मैं
अब तो मैं कहीं का नहीं रहा साहब, कहीं का। घर जाकर आराम कर लो भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप नहीं बता सकते इसके अंदर क्या लिखा है? खोले बगैर तो नहीं, खोलू? नहीं नहीं, मेरी बात मानो, तुम बीमार हो, घर जाकर आराम कर लो। ये सब ऐसे क्यों बरत रहे हैं? मानो कि मैं पागल हो गया। पागल? हाँ आप समझा, पागल, पागलपन नहीं तो और क्या है। एक अच्छे ऑफिस में 25 साल काम करने के बाद भला कोई इज्जतदार आदमी खिलौने बनाता है? यही काम मिला था मुझे वक्त गुजारने के लिए, खिलौने बनाना। अच्छा तो मैं पागल हो गया हूँ? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। उप्पी, उप्पी। ए, 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 उप्पी। उप्पी, उप्पी, उप्पी। उप्पी, 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 उप्पी। अजमत, पागल आदमी पे क्या बता, कल को तुम भी वक्त गुजारने को मिट्टी के खिलौने बनाने को और पागल बन जाओ। काए, 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 पिताजी का गम। सुनो, 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 मेरी बात सुनो। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हो गया? अपने जीता बड़ा पर आप तो मैं कुछ भी कर सकता हूं पागल जो। ए, ए, क्यों भाई क्या कर रहे हो, पत्थर क्यों मारा? मुझे कांच के पपीते तोड़ने का शौक है ना, इसलिए। चलो चलो नहीं चलो, मुझे क्या है, वो भी देख लेते। आज तक कभी थाने नहीं गया था ना मैं। हाँ लेकिन एक बार मेसोपोटामिया में मुझे सजा हुई थी, आधा खाना मिलता था। हाँ रुको, रास्ता तो सीधा नहीं है। रुको रुको, रास्ता सीधा नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तुम लोग सुनते क्या नहीं? अरे रुको रुको रुको, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे रास्ता सीधा नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। अरे रुक रुको मैं जब क्या हो गया तुम्हें? गोविंद गोविंद क्या कर रहे हो? गोविंद कुछ नहीं हो, किसी चीज के बारे में कुछ क्या तमाशा लगा रखा है तू? गोविंद मेरी बात मानो, गोविंद मालूम हो गया दो तीन से। अरे सिंह ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? माफ करना साहब, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जा सकते। कंपनी की चिट्ठी मिली तुम्हें? हाँ साहब मिली, ये ये ये। अरे अब्बे की चिट्ठी खोली क्यों नहीं? नहीं वो रजिस्टर है, इसे मत खोली। हाँ मैनेजर साहब को तुम्हारे कलात्मक दृश्य बहुत ही पसंद है, मैनेजर साहब की तरफ से तुम्हें 100 रुपए का इनाम मिला है, ये लो चेक। साहब आपको क्या लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? नहीं तो, तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। साहब साहब साहब। नहीं सिंह उठो उठो, ये क्या कर रहे हो, उठो। चलिए भाई उठो ना, चलिए चलिए चलिए, यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलिए भाई जाओ। दस ग्यारह बारह, हाँ
जी? तो सिंह अब कौन सा नया दृश्य बना रहे हो? नहीं साहब, अब कभी कोई दृश्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? सयाने आदमी के लायक काम नहीं है वो। Na na na.